गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल फलहार नोमाड्स में। और आप देख सकते हैं हम लोग हमारी गाड़ियों में निकल चुके हैं। आगे थी कल्पेश जी गाड़ी और पीछे हमारी गोल्डन ईगल। मैं दिखाता हूं आपको गोल्डन ईगल क्यों बोलते हैं उसको। आप देख सकते हैं यहां पर गोल्डन ईगल है। तो इस बार हम लोग स्पीति जा रहे हैं। सुबह निकले हम लोग करीबन 11 बजे के आसपास, थोड़ा लेट हो गए थे। आप देख सकते हैं पीछे हमने कुछ बदलाव भी किया है, वो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आबू रोड पहुंच गए हैं और यहाँ पर है चामुंडा ढाबा। और अक्सर हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर खाना खाते हैं। इनकी एक स्पेशलिटी है रोटी की, वो हमें बहुत पसंद है। तो आप देखिए गार्डन है अच्छा खासा, मतलब आप बैठ सकते हैं ठंड में, और खाना भी बहुत बढ़िया होता है इनका। ये है इनका ढाबा। इन्होंने हमें बताया कि ये ढाबा उनका जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है और वो पीछे की तरफ जाएगा। और ये हमारी मंडली, देखिए सबसे आगे आपको सोनू के, कल्पेश के, फिर भावना भाभी के, और आखिर में हमारी श्रीमती जी। देखिए स्टाइल लगा रही है ना। तो दोस्तों यहाँ हमारा खाना हो गया है और अब हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे जब तक हम ड्राइव कर सकते हैं। और जहाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि नींद आ रही है, थकान लगी है, तो हम वहाँ गाड़ी रोक देंगे अच्छी जगह ढूंढ के और वहीं पर हम सोने का इंतज़ाम करेंगे। तो चलिए गाड़ी में चलते हैं। तो ये फाल्गुनी अपनी जगह पे बैठ रही है। एक एक मिनट यहाँ पे आओ। हाँ वो मैं ताला चेंज कर देता हूँ। ताला चेंज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत तो रास्ते होते हैं, ऐसा ही अभी नज़ारा है। शाम हो गई है, सूरज ढलने वाला है। हम राजस्थान अभी क्रॉस नहीं किया है और आगे दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर। नोएडा, वी आर गोइंग टू नोएडा। वी विल नॉट रीच नोएडा, मे बी द डेस्टिनेशन जो हमने लगाया है। हाँ नोएडा, लेकिन चलाएंगे तब तक जब तक हमें थकान ना लगे। तो रास्ते में कहीं भी ऐसा स्पॉट आएगा कि हम थक गए हैं या नींद आ रही है, तो हम अपना कैंप वहीं पे लगा लेंगे। तो अभी थोड़ा नज़ारे देखिए सनसेट वाला। नवरात्रि तो ख़त्म हो गई है लेकिन हमारा गरबा भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी लॉन्ग जर्नी पे एक गरबे तो बनते हैं सुनने, और डांस भी बनता है तभी ये रास्ता कटेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को हम एक हाईवे होटल पे रुके थे। हमें तकरीबन 3 घंटे की नींद मिली है, और वो भी इसलिए कि हम लोगों ने प्लान ये किया कि हम 5 बजे निकल जाएंगे। जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी हम नोएडा इसुजु वर्कशॉप में पहुंच जाएंगे। वहां पर हमें खास करके हमारी गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेक करवाने हैं, क्योंकि नहीं पहले चेक होगा, और अगर वो लोग कहेंगे कि कमज़ोर है और चेंज करने का ज़रूरी है तो वो चेंज हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि हमारी बात हो गई है पहले से उनके साथ। अभी एक टायर भी चेंज करवाना है, जो एक नया टायर खरीद के रखा है हमने, सुलक्ष के यहाँ पड़ा है, वो लेके आएगा वहाँ पर। एक टायर हमारे पास है, सो दोनों पीछे वाले जो दोनों टायर है वो नए लग जाएंगे। और अभी 6.5 घंटा दिखा रहा है, मतलब यहाँ से वो नोएडा इसुजु वर्कशॉप पहुँचने के लिए। लेकिन देखिए कहाँ फंस गए हम लोग।
चारों तरफ बड़ी बड़ी ट्रक्स है, जैसे एक छोटी मछली तालाब में होती है और चारों और बड़ी बड़ी मछली उसको नोचने के लिए तैयार होती है। ऐसा लग रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है और हमें ये भी मालूम नहीं है कि ये ट्रैफिक जैम जो है वो कब शुरू होगा, कब चलेगा, कब इस जो भी है। अभी हमें कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो सीन ये था कि हमारे कैंपर में जो गीजर है उसका लैच एक टूट गया, अभी तो हम जा ही रहे, कैंपिंग किया भी नहीं है, टूट गया। गीजर पहले अंदर था, कैंपर के अंदर था, इस ट्रिप में हमने बाहर लगवाया इसको, लेकिन ये लैच इसका टूट गया तो पूरा बॉक्स खुल गया था। कल्पेश भाई वो लोग पीछे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये बॉक्स तो खुल गया, तो फिर हमको कॉल किया और हमने गाड़ी साइड में रखी और उसको बंजी से फिक्स किया। तो देखिए कैंपिंग में ये ट्रिप में ऐसा तो होता रहता है, आप जब भी कैंपिंग में जाते हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाते हो कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सुबह के 5 बजे हम लोग निकले, 2 गाड़ियां, और आप समझ सकते हैं कल रात को भी देर से सोए करीबन 12 बजे, तो 3 या 4 घंटे की नींद मिली हम लोगों को। अभी हम लोग रजवाड़ा दरबार रेस्टोरेंट में आए हैं। ये फूड कोर्ट है जो दिल्ली बॉम्बे नेशनल हाईवे पे है स्थित। अच्छी लगी हमें, साफ सुथरी है, पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है, और यहाँ पर हम खाने वाले हैं मसाला डोसा, खिचड़ी और इडली सांभर। सो खाना खाने के बाद हम कुल्लड़ वाली चाय पियेंगे और उसके बाद हम सीधे नोएडा इसुजू वर्कशॉप के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी हमारा काम हो जाए, और अगर आज काम हो गया तो कल सुबह हम निकल जाएंगे स्पीति के लिए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में नोएडा में, और इसुजू के वर्कशॉप में हमारी गोल्डन ईगल भी पहुंच गई है। स्पीति एक्सपेडिशन के लिए कुछ प्रिपरेशन हो रही है, जैसे कि टायर चेंज हो रहे हैं, ब्रेक पर शायद चेंज हो गए, फिल्टर चेंज होगा, ये सब प्रिपरेशन ज़रूरी है। और अब हम जा रहे हैं हमारे ही ग्रुप में ऑल अंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक मेंबर जो है सिटी साहब, उनके घर हम जा रहे हैं। हम पहुंच गए सट्टी साहब के घर, मिलते हैं बाद में, हम पहले उनसे मिल लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं और दिल्ली में हमने 2 रातें गुजारी। पहली रात हम लोग हमारे ओवरलैंड एसोसिएशन के साथ ही मिस्टर एंड मिसेस सेटी के यहाँ थे। उसके दूसरे दिन हम लोग सुबह से इसुजू वर्कशॉप में बिजी थे हमारी गाड़ी को लेकर, क्योंकि हमें कुछ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था करवाना। एक तो हमें पीछे के 2 टायर नए डलवाए और दूसरा ब्रेक लाइनर्स और ब्रेक पैड्स वो भी नए डलवाए, और उसके साथ और भी काम किया, तो पूरे दिन वहाँ बिजी थे। और उस रात हम लोग हमारे और ओलैंड एसोसिएशन के साथी सुलक्ष और प्रिया के घर में थे, नोमाड एडवेंचर ओवरलैंड, हाँ, जिनका खुद का चैनल भी है नोमाड एडवेंचर, और हमारे बहुत ही अच्छे साथी है। और अभी सुबह हम लोग निकल गए हैं, दिल्ली छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं करनाल हमारे और ओलैंड एसोसिएशन के साथी अजय सोने के घर में। उनकी मिसेस का नाम मुझे याद नहीं है तो माफ़ करना, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और वहाँ से फिर हम लोग दोपहर को निकल जाएंगे सोलन के लिए। सोलन में फिर हम रुकेंगे मिस्टर एंड मिसेस सेटी के घर में। तो चलिए दोस्तों, या हमारे कहना ये चाहती है कि हमारी ओवरलैंडिंग एसोसिएशन की जो फैमिली, जो परिवार बना है, अलग अलग स्टेट से लोग है और हम ऐसे दोस्त बन गए हैं एक दूसरे के, कि मतलब जैसे ही मालूम पड़ता है लोगों को कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, यार वो लोग गुजर रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे को न्योता देते हैं हमारे घर में आने के लिए। ऐसी बढ़िया अटैच्ड
नेटवर्क की फैमिली हमने आज तक नहीं देखी है। आप भी हमारे एसोसिएशन में जुड़िए, क्या नाम? तो क्यों ना आप भी हमारे ऑल एंडिंग एसोसिएशन में सभ्य बन जाइए, बहुत ही फायदा है। और अगर आपको फायदा जानना है तो हमें पर्सनली लिखिए, हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली की सड़कों का मजा लेते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी एक खराब हो गई है, रास्ते में खड़ी है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे चलाने में। आगे भी देखना है, बोलना भी है और मिसिस की डांट भी खानी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिल्ली से आने के बाद हम लोग करनाल में रुके और करनाल में रुके हम लोग ननिता और अजय साहनी के घर में। ये उनका घर है, कल रात यहीं गुजारी, कल शाम यहीं गुजारी। और अभी हम निकल रहे हैं पराशर लेक के लिए। हम लोग रेडी है, गाड़ी हमने पैक कर दी है और बस 5-10 मिनट में हम निकल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग करनाल से निकल रहे हैं इस वक्त हम लोग करनाल की सड़कों पर हैं। और क्योंकि कल्पेश थोड़ी हमसे ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो हम पहले निकल गए हैं और वो थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। देखो यहाँ पर सामने रेड लाइट आई है तो गाड़ी रोकना भी ज़रूरी है। अभी पता नहीं लोकल लोग क्या करते हैं, ये तो रुक नहीं रहे, लेकिन हम रुकेंगे। वी विल फॉलो द रूल्स, हम तोड़ेंगे नहीं रूल्स को, क्योंकि रूल्स को तोड़ते ही एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें वो करना नहीं है। 1 and go। तो आप देख रहे हैं इस तरफ ओवर ब्रिज है, बराबर है, तो वो ट्रैफिक को कम करने के लिए, मतलब कंजेशन कम करने के लिए इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं आजकल भारत की सिटीज़ में। चलो, इसने बता दिया हमें कि हमें नेशनल हाईवे 44 पे मर्ज होना है। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तो गाड़ियों की भीड़ भी उतनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें मज़ा आएगा चलाने में। और यहाँ डाइवर्जन आ गया और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी है रास्तों पे, मतलब छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक्स, ऑयल टैंकर्स, ये सब अपनी स्पीड में भागे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको पहुँचना है, कहीं कहीं इनकी मंजिल है, लेकिन हमें बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। अब देखिए हमारे आगे दो ट्रक्स आ गई है बड़ी बड़ी, वो पीछे से गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही है, तो हम वो दूसरी लेन में जा भी नहीं सकते हैं। हालांकि मैंने सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन जब तक मुझे क्लियर नहीं मिले तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। चलो मैं मिल गया क्लियरेंस, मैं निकल रहा हूँ आगे। ये देखो सुबह सुबह इतना ट्रैफिक, कमाल है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हरीश जी ने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं पराशर लेक। अभी अंबाला से आगे कौन सा एरिया बताया? जवाहर चौक डेराबस्सी एरिया के आगे ये फूड जोंट है, ये वाला हल्दीराम वाला। अच्छा लगता है, क्लीन लगता है, तो हम अंदर जाते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं। चाय है या रबड़ी? बहुत मीठी है क्या? मीठी नहीं, दूध का खाली पेस्ट आ रहा है। चाय पत्ती उबाली नहीं, हमें तो भाई कड़क चाहिए, मीठी चाहिए, थोड़ा रबड़ी जैसा टेस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने राज कचौरी खाई, हरीश ने एज यूजुअल इडली खाई और हम जा रहे हैं आगे। अच्छा, एक बात बता दूँ, यहाँ पे फ्रेश ब्रेड मिलती है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है कोई, उन्हीं की ब्रेड बनती है। मैंने कुछ सॉर्डो लिए, मल्टीग्रेन ब्रेड्स लिए जो हमें आगे काम आएंगे कैंपिंग के टाइम। तो चलो चलते हैं आगे। रेडी चलिए, मज़ा आया नाश्ता करने में। सो दोस्तों, हम मोहाली के बीच में से गुजर रहे हैं और ये 6 lane है मोहाली का, सड़क का नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो हरे हरे पेड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सड़क भी बहुत अच्छी है, रेड लाइट आएगी, चलो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। 18, 16 ऐसे ऐसे करके वो कम हो रहा है फिगर, और जैसे ही वो 1 होगा, 0 होगा, जूम करके निकलेंगे सबके साथ।
हो गया चार, तीन, दो, एक, और ये निकले हम। अरे भाई हमारे आगे वाली गाड़ी बहुत स्लो है। हाँ, और दोनों तरफ देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मतलब कुछ ऑफिसेज बन रही है, लगता है ऐसा ही है। अभी प्राइवेट है, गवर्नमेंट ऑफिस बनेगी वो कुछ मालूम नहीं हम लोगों को, लेकिन हाँ अब देखिए। हमने अभी अभी मोहाली रास्ते की तारीफ की आप लोगों को, लेकिन देखिए हम कहाँ आके अटक गए। ये इतना जाम लगा हुआ है, आगे तो रेड दिखा रहा है, मतलब गाड़ियाँ हिल नहीं रही है, और हम पिछले 15-20 मिनट से यहाँ अटके हुए हैं। एक इंच भी गाड़ी नहीं चल रही है, पता नहीं कब चलेगी और कब हम आगे बढ़ेंगे। इस वजह से हमें पहुँचने में भी देरी होगी। हाँ भाई, तो डीजल अभी क्वार्टर टंकी दिखा रहा है इसमें मीटर में, और जो चैलेंज है इस गाड़ी में, मतलब इसुजु में, उसकी टंकी 45 लीटर के आसपास है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर की टंकी 70 लीटर है। तो मुझे बार बार, मतलब कुछ हज़ार तो नहीं कहूँगा, कुछ 100 किलोमीटर्स के बाद टंकी भरानी पड़ती है, डीजल भराना ही पड़ता है। तो इसुजु वाले अगर टंकी बड़ी करवा दे, मतलब अगली गाड़ियों में, अभी इसमें तो क्या करेंगे, तो अच्छा रहेगा। हालांकि पेट्रोल पंप तो आते ही रहते हैं रास्ते में, ऐसा कोई डर की बात नहीं है, लेकिन बार बार भराना, मतलब टाइम भी कितना वेस्ट होता है। और फ़ायदा भी ये है कि हम गाड़ी रोक सकते हैं, पैरों को थोड़ा आराम मिल सकता है। ये अच्छा है, रास्ते में बोर्ड आता है कि आगे पेट्रोल पंप है, मतलब हम सतर्क हो जाते हैं और स्किप नहीं कर जाए। मतलब ये आ गया जियो का पेट्रोल पंप, और यहाँ पर हम भराएंगे डीजल। देखो वो हमारे स्वागत में खड़े हैं, दोनों बुला रहे हैं हमको, यहाँ आ जाओ। अभी यहाँ जियो पेट्रोल पंप पे मैं फुल टंकी करा लेता हूँ, ताकि पराशर लेक और उसके आगे जाने में हमें कोई भी तकलीफ ना हो। सो दोस्तों, हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश, और एक लंबी सी टनल से गुजर कर हम आ गए बाहर। देख सकते हैं नज़ारा आप, और हमने ये हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड से चलाई। उसकी दो वजह है, एक तो हमारी सेफ्टी, और दूसरा हमारे आगे जो ये ट्रक थी वो भी वही स्पीड से जा रही थी, और हम इसको ट्रक ही बोलते हैं, इसीलिए हमने उसका आदर किया। तो चलो दोस्तों, खूबसूरत वादियों के देश में हम आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश। परिश को भूख लगी, देखिए क्या खा रहे हैं। थेपला और चटनी, वो अनियन वाले हैं। हाँ, हल्दीराम से ली थी वो, एंड रेड वेलवेट केक। मैं मीठा ज्यादा खाती हूँ, मुझे लगता है डायबिटीज हो जाएगा मुझे। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ठीक है। मंडी पहुंच गए, लेकिन अभी सनसेट होने का है, और सीन ये हो गया कि कल्पेश भाई की फॉर्च्यूनर में कुछ इंजन का प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग भी इतने टाइम में, वो लोग शायद चंडीगढ़ के आजू बाजू थे, इतने टाइम में पहुंच नहीं सके। तो हमने यही सोचा, तय किया है कि मंडी के आजू बाजू कोई जगह देख के, जैसे कि एक जगह तो ये है, यहाँ पे पेट्रोल पंप बनने वाला है, इसके ओनर के साथ हमारी बात हो गई,
उसने बोला आप अपनी गाड़ी यहाँ पे रखिए और नाइस चेक कीजिए। हमने सब समझाया कि भी हमारी गाड़ी में ही सब कुछ है, सोने का कुकिंग सब कुछ है। तो उसने बोला ठीक है आप रह जाओ यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं मंडी में, कोई और इससे अच्छी जगह है तो हम देख लेते हैं। देखो कौन है। अच्छा अरे ये क्या धुआं लग रहा है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अरे अब थोड़ा वो छिड़क दो इसको। हां छिड़क दो, पकड़ा दो थोड़ा डाल इसको बंद करना। ये कैसे कर रहा हूं, वो ठंडा होने दो, मुझे लगता है हो जाएगा। उसको छाटने की जरूरत नहीं शायद, और कुछ दूसरा हो जाएगा एक से दूसरा। अरे कहीं ना दे, दोस्तों मेरे चेहरे पर आपको स्माइल दिख रही है, लेकिन स्माइल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे, टेंस में रहेंगे तो आप कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ भी एक हादसा हो गया, लेकिन हादसा हो गया वो बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि हम लोगों ने एक जगह ढूंढी थी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले, और वो जगह थी कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में, वहाँ पर हम रुकने वाले थे। लेकिन हमें ये बताया गया कि रात को कुछ डंपर यहाँ आते हैं मिट्टी खाली करने के लिए, तो वो तो हमें पूरी रात डिस्टर्ब होता उसमें। तो फिर वो प्लान हमने ड्रॉप किया और हमें हमारे ओल इंडिया के साथ ही सेठी साहब ने ये बताया कि यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पे आप जाइए, बहुत बड़ा पार्किंग है, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ रात भी रह सकते हैं, और लंगर की भी व्यवस्था है। अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो आप लंगर में खाना खा सकते हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो गुरुद्वारा की जगह है और पार्किंग एरिया में, और जैसे ही हम लोग यहाँ आए मैंने गाड़ी अभी मोड़ के पार्क ही की थी, तो अपना की को घुमाया बंद करने के लिए, और अचानक देखता हूँ तो अंदर से धुआं निकल रहा है। तो हम दोनों तुरंत बाहर निकल गए और देखा कहाँ से धुआं निकल रहा था, एक पतली सी वायर है वो जल रही थी, तो इंजन बंद कर दिया। वो धीरे 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 वो धुआं कम होने लगा, कम नहीं हुआ था लेकिन। तो ये समझो कि मतलब गुरु नानक जी का हमारे ऊपर हाथ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि गाड़ी में आग नहीं लगी, बच गए हम लोग, हादसा होते होते रह गया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कैंपिंग में ओवरलैंडिंग में ये सब होता रहता है, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और हम हंसते खेलते आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम लोग दोनों बाहर कूद पड़े, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो दोनों दरवाजे खुले रख दिए, ताकि अगर जो धुआं निकल रहा था वो अंदर जम के उसकी स्मेल नहीं हो जाए। उसके बाद हमने बोनेट खोला, बोनेट के अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर कहीं भी धुआं नहीं था, धुआं सिर्फ वो तार से निकल रहा था। लेकिन फर्दर प्रिकॉशन के लिए हमने जो मेन बैटरी होती है उसके जो ऊपर टर्मिनल्स होते हैं, वो टर्मिनल्स को हमने निकाल के रख दिया है अभी फिलहाल, ताकि पावर सप्लाई नहीं हो। और दूसरा हमने क्या किया कि जो सेकेंडरी बैटरी है जो ऑल्टरनेटर से चार्ज होती है, उसका एक छोटा सा एक वो है जिसको हम ऑन रखते हैं, ताकि जब भी गाड़ी चले तो वो सेकेंडरी बैटरी भी चार्ज होती रही, उसको भी हमने ऑफ कर दिया। हाँ उसको कट ऑफ स्विच बोलते हैं। हाँ तो ये हमने किया सेफ्टी के लिए। बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कल्पेश जी आ जाए, वो भी देख लेंगे, थोड़े जानकार हैं इन चीज़ों के, वो थोड़ा रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों हम गुरुद्वारा के बाहर खड़े हैं, हमने अंदर दर्शन किए, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसा कि हरीश ने बताया कि जैसे कि हम गुरुद्वारा पहुँचे
और हमारी गाड़ी के इंजन में से कुछ धुआं निकलने लगा। तब मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी डर गई कि मुझे लगा शायद मेरी पूरी गाड़ी जल जाएगी। और इना लेता तो मैं इतनी डर गई कि मुझे लगा ये मेरी गाड़ी हमारा कैंपर पूरा जल जाएगा। अभी तो ट्रिप शुरू ही हुई तभी हो गया। अभी तो ये जैसे कि कैंपिंग का पहला दिन होने वाला था हमारा, फिर भी ये हो गया। लेकिन हम सेफ जगह थे, हम गुरुद्वारे में थे, भगवान के पास थे। तो मुझे लगता है हमको एकदम टाइम से भगवान ने बचा लिया। जैसे हमने पार्क के तभी स्पार्क होना शुरू किया, धुआं निकलने लगा इंजन से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ है।